चलो साइफाई पैनल को हम लोग देखते हैं कि हम लोग मरवो साइड में कैसे लेके जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले काम, कोई भी मॉडल अगर आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ क्या है, वो आपका सेंटर पर होना ज़रूरी है। ठीक है, ये डब्ल्यू प्रेस करो। यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ है, तो अगर मैं इसे जीरो करूँ तो शायद मेरे ख्याल से चले जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये अच्छा है कि हाँ हिस्ट्री है यहाँ पे। ठीक है, आप चीज़ों का मैनेजर मेंटेन कर सकते हो आप। यहाँ पे स्केलिंग है, स्केलिंग के साथ आप डील करना चाहो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, फाइल पे गए। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोर्ट सिलेक्शन। ठीक है, एक ही चाहिए मुझे, बाकी नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, डेस्कटॉप एक मैंने फोल्डर बना रखा है साइफाई का, तो साइफाई यहाँ पे देखें तो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा ओवीजे में लेके जा सकते हो, वेक्स में लेके जा सकते हो, ये दो ऑप्शन हैं। उसके सिवा और भी कई ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, मरवो साइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, फाइल पे गए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंपोर्ट मॉडल। ठीक है, इंपोर्ट करोगे आप यहाँ पे, इंपोर्ट में आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने सपोर्टेड फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एफ बी एक्स है, ओ वी जे है, ठीक है, आपका 3DS भी है, ठीक है, PLY भी है, ABC भी है, एलेम्बिक फाइल बोलते हैं, ठीक है, .STL भी है। ठीक है, ये STL फॉर्मेट क्या होता है, जब हम लोग 3D प्रिंटिंग करते हैं उसके लिए, क्या आपको लगता है ना कोई ज्वेलरी का कोई मॉडल है उसको हमें प्रिंट के लिए लेके आना है, तो उसमें उनकी डिमांड ये होती कि 3D प्रिंटिंग के लिए आपको स्टील पे काम करना है, और मोबाइल साइट का .MES ये करके दे देगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, हम लोगों ने गए डेस्कटॉप पे साइफाई इंपोर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट हुआ, हम लोग यहाँ पे साइफाई पैनल। ओके, फोकस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा भी है नहीं है, देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा पार्ट आपको देखना है, मेन कैमरा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे टॉप पे गए, ये एक बड़ा है इसलिए ऐसा लग रहा है ना, एक बार क्रॉस चेक करना है यहाँ पे। ये आपके यहाँ पे व्यू है, प्रोजेक्टिव में गए, प्रोजेक्टिव आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे मैप एक बार देख लेते हैं, मैप अगर मैं कहूँ मेरे पास जो मैप है वो मैप किस टाइप से काम करने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके सीडर्स हैं, बाई डिफॉल्ट सीडर्स आप यहाँ प्लस करोगे आ जाएगा आपके यहाँ पे, जो भी सीडर आपको देना है। ठीक है, क्लिक करोगे इस पर, क्लिक करोगे इसका पैरामीटर आपको नीचे मिलने वाला है, तो इसके पैरामीटर्स को एक बार आप देखो, यहाँ पे सर्फेस है, ठीक है, एल्बिडो, यहाँ पे एल्बिडो जो बोलते हैं वो बोलते हैं डिफ्यूज मैप को। ठीक है, तो वैसे नॉर्मल में जैसे माया में और किसी सॉफ्टवेयर में आप देखते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई आपका डिफ्यूज मैप कहाँ पे कैसा है। ठीक है, क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे ये मैप है, देखते हैं सही आता है कि नहीं आता। ओके, दिस इज़ गुड, ठीक है, सही आ गया आपके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ऑन ऑफ करने का। ठीक है, इसके बाद देखो मेरे पास मैप्स कौन कौन सा, नॉर्मल मैप पे गए, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, नॉर्मल मैप यहाँ पे आएगा, दिस इज़ गुड। अब ये पार्ट आपका यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी को दिखाने वाले कि मैंने नॉर्मल मैप पे काम किया है, तो ये आपका एंगल आपके यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये गेम के अकॉर्डिंग चीज़ें देखेंगे, कभी भी हम लोग इस टाइप का जो प्लेन पे काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लेन पे काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो गेमिंग में जब भी एक प्लेन पे, एक प्लेन मतलब आपके दो ट्राइज है। ठीक है, इसके अंदर आपको चीज़ों को देखना है, तो इसमें क्या होता है, कभी भी आपका 90 डिग्री पर नहीं जाएगा, ये आप ध्यान देना, कैमरा वहाँ पे लॉक करके रखते हैं। अगर मेरे पास साइफाई पैनल अगर ऐसा कुछ हम लोगों ने यूज़ कर रखा तो इतना कभी भी नहीं जाने वाला। ठीक है, हो जाएगा तो ऐसी चीज़ देखेंगे आपको यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे अगर आपका डेप्थ है, ठीक है, जैसे मॉडलिंग के अंदर टेक्निक मैंने बता रखा है, यहाँ पे टेक्निक कैसे मैनेज कर रहा है आप यहाँ पे, कि ये पार्ट आपने सिंपल यहाँ से जब एक्सट्रूड करते हो तो हल्का सा अंदर से नीचे से थोड़ा सा टेपर कर दोगे तो ये डेप्थ अच्छा दिखेगा। तो डेप्थ अगर आपका अच्छा दिखता है तभी ये काम आता है, जैसे ये देखो ना यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये चीज़ देखते हो, इससे पहले हम लोगों ने माया में देखा है, माया में क्या होता है, माया में उतना चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखती, हर सॉफ्टवेयर का एक अपना बेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें भी हैं, स्काई है, आप यहाँ पे देखो HDR मैप हर जगह यूज़ होता है, चाहे कीशॉट हो, चाहे आपका माया हो, चाहे आपका मोबाइल हो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इमेज इमेज है, एक्सपोर्ट है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आप यहाँ पे कोई भी आप चीज़ को मैनेज करोगे, यहाँ देखना पे पूरा पार्ट आपके यहाँ पे देखिए, आप मैनेज करना चाहो मैनेज करो यहाँ पे, देखो डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये भी पूरा पार्ट आपको दिखेगा। ओके, इसके सिवा ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से चीज़ को मैनेज करोगे आप यहाँ पे दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट आप यहाँ पे क्लिक होता है कि कैसे आप डील करने वाले हो। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो मेरे पास इमेज है, इमेज से मैं इमेज का अलग अलग पार्ट यहाँ से जो कॉल करना है मुझे अपना अपने नीड के अकॉर्डिंग कुछ मैनेज करना, तो मैं वो चीज़ मैं मैनेज करके देख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है कलर,
स्काई है, ठीक है, स्काई आप देखना चाहो, ये देखो आप देख रहे हैं, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से आपको पूरा पूरा पार्ट आपको दिखेगा कि आप कैसे मैनेज करने वाले हो। तो ये ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक सिंपल मेन चीज़ें हैं, अगर आपको माया सॉफ्टवेयर या किसी भी सॉफ्टवेयर में अपने काम करेगा तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। बेसिक्स पता तो आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर लोगे। आप यहाँ पे अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्लिक कर देना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे चीज़ें क्या क्या हैं। सिंपल सा बात, ये यहाँ पे जैसे माया में ऑब्जेक्ट लिस्ट होता है ना आउटलाइनर, वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिस्ट आपका रेंडर है, मेन कैमरा है, मेन कैमरे के सारे फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे स्काई है, स्काई के अंदर चीज़ों को आप कैसे मैनेज करने वाले हो, ठीक है, अपनी नीड के ऊपर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरह सब चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो रोटेशन है, आप शिफ्ट प्रेस करो और राइट क्लिक करके देखो तो आपको ये ऐसे भी टर्न करते हो नजर आएगा। यहाँ पे आपको लाइट का एंगल कैसे दिखाना है, ये ऐसे दिखाओगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है ऐसे दिखा, भाई ये साइनिंग देखने के लिए। तो मैं बस ये इन्वायरमेंट है तो चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से देख सकता हूँ। यहाँ पे देखो रफनेस मैप है, मेरे पास रफनेस मैप में एक बार स्पैकुलर मैप डाल के देखो यहाँ पे, अब देखना है हमें ये मेन पार्ट ये दिखता है। ये अगर आपने ऐसा लुक एंड फील दे दिया तो आप आपको आपका काम अप्रूव हो जाएगा और आप टेस्ट में पास हो जाओगे। ये जनरल सी चीज़ है क्या, ये सिंपल से बात आपको यहाँ पे देख रहे हैं तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मैटलिक में ये लुक एंड फील देते हैं, मैंने इसको ऑफिशियली कर रखा। देखो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे टर्न पे देखना है, अब यहाँ देखना जहाँ पे आपको मेटलिक लुक एंड फील है वहाँ पे वो साइन करेगा। यहाँ पे मेन चीज़ यही कि अगर आप कहाँ किसी भी काम को आप रिप्रेजेंट करने वाले हो तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये चीज़ दिखनी चाहिए। मेटल में ये चीज़ कि अगर मेटल में आपने ये चीज़ दिखा दिया तो आप गेमिंग के जॉब के लिए पास हो जाओगे। आपके पास सिंपल से पार्ट है, आपके पास आप अगर कोई भी मॉडल करो, अनरैप करो, टेक्सचर करो, आपने टेक्सचरिंग में पार्ट दिया, बेसिक तीन मैप डिफ्यूज नॉर्मल एंड स्पेकुलर, तो आप यहाँ पे इस एंगल में आप दिखा रहे हो और आपको ये विजुअल हो रहा है कि ठीक है मेटलिक लुक एंड फील दिख रहा है तो आप यहाँ पे पास हो जाओगे, आपको फिर दिक्कत नहीं है। टेक्सचरिंग का जितना लेवल हो कलर मैच करो, कलर का थीम मैच करो, ठीक है, स्पेकुलर आप किस टाइप से दिखा सकते हो वो आपके लिए बहुत बेटर इम्पैक्ट दे जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है, कि मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक आपका लाइट भी है, ठीक है, यहाँ से आप चीज़ को मैनेज करोगे तो मैनेज देखो यहाँ पे चीज़ देखेंगे मेरे पास, ठीक है, आप ये किस टाइप से आप लाइट के साथ मैनेज करने वाला हो, ठीक है, यहाँ पे इम्पैक्ट है। सॉफ्टवेयर बहुत छोटा है, आप इसे अगर ट्राई करोगे तो बहुत ईजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, सारे पैरामीटर्स आपके पास यहाँ पे दे रखे हैं कि आपको किस टाइप से मैनेज करना है, ठीक है, लेंस स्ट्रेंथ है देखो यहाँ पे, ओके, ये अगर मैं बढ़ाता हूँ पहले यहाँ पे लेंस स्ट्रेंथ दिखाऊँ तो मैनेज करते दिखेगा। कास्ट शैडो आपको देना चाहो, कास्ट शैडो है सेम चीज़ जो आपने माया में किया वो चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। किस टाइप से काम करना है, किस टाइप से चीज़ को मुझे मैनेज करना, तो मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी जितने लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसमें कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग भी आ रही हैं, ठीक है, सब चीज़ आपको हाईलाइट करके दे रहे हैं, ये आपका ट्रांसलेट है, रोटेट है, स्केल है, धीमे धीमे ये सेम चीज़ माया जैसे ही बनाने लगे कोई भी 3D सॉफ्टवेयर तो थोड़ा सा ईजी बनाने लगे। इसे पुराने वर्जन में देखोगे इसमें पीछे नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है, लाइट कंट्रोलर यहाँ पे सिंपल सा बात है आपके यहाँ पे, रेक्टेंगल सिलेक्शन ये है ना, सर्कुलर ये देखा, तो ये चीज़ क्या करें, लेसो सेम चीज़ जो आपको कैसा कुछ काम करना था, ठीक है, पॉली सिलेक्शन मैंने कहा, ये सब चीज़ क्या हो रहा है, आप चीज़ों कैसे मैनेज करना, तो इस इतनी पार्ट दे रखें, आप इसके पुराने वर्जन को यूज़ करोगे तो उसमें उतने पार्ट नहीं दिखेंगे, टूल्स ही नहीं दिखेगा आपके यहाँ पे कि भाई वो चीज़ें है कहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे लाइट्स में यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइट में स्पॉट लाइट में यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ें, तो ऐसे इन चीज़ों को एक बार लुक एंड फील देखोगे, यहाँ पे फॉग का है तो फॉग में कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, चीज़ों को कैसे मैनेज करो, तो बेसिक्स आपके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अंडू कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, बाकी यहाँ पे न्यू टेक्सचर प्रोजेक्ट आपके पास पूरा पार्ट आपको मिलेगा। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, सिंपल से पार्ट मुझे अगर यहाँ पे चीज़ों को मुझे ऐसे कुछ मैनेज करना है तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ यहाँ पे। ये देखो रेंडर दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ देखो एनिमेट, ठीक है, अभी एनिमेशन का भी काम देखा जो टर्न टेबल का काम है ना यहाँ पे, ठीक है, क्लासिक क्लासिक वाला है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट में दिख रहा है, रेंडर रेंडर में आपका ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेटअप है, सेटअप आपका देखो वो फोर विंडो वाला पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, किसको क्या करना है, फ्रंट है, राइट है, कहाँ पे क्या देना है आप चीज़ों को दिखा सकते हो आप। फुल क्वालिटी ड्राफ्ट क्वालिटी, फुल क्वालिटी मतलब आप यहाँ पे दिखा रहे हो, इसमें फुल क्वालिटी करोगे तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, जो का मेन पार्ट हो, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखेगा आपका आपका वायर फ्रेम यहाँ पे देखा, ठीक है, ये पार्ट आपको वायर फ्रेम के जैसे दिखेगा, यहाँ पे ग्रे है, ग्रे पे क्लिक करो,
टाइम ले रहा है, हाँ ठीक है। कैसे दिखाना है? डिफॉल्ट क्वालिटी, फुल क्वालिटी, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, परस्पेक्टिव में गए तो आप यहाँ पे कैसे दिखा सकते हैं आप यहाँ पे, ओके। अभी मैं इनको यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है, देखो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, आप इसको अलग से निकालना चाहो अलग से निकाल दोगे, ये आपका पूरा पूरा पार्ट आपका दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये देखो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी चलो हमने यहाँ के विंडो देखे, यहाँ के बाद पास यहाँ पे रेंडर का पार्ट आता है, यहाँ पे F10 और F9 यहाँ पे देखो वी पोर्ट। गेमिंग में हमेशा रियल टाइम रेंडर ही लिया जाता है, आपके रेंडर हो गया, ठीक है। इसको आप देखोगे आप यहाँ पे, मुझे कुछ स्टेप से चीज़ों को मुझे मैनेज करना है कि मैं अगर यहाँ पे एंगल दूँ यहाँ पे, ठीक है, चीज़ों को मैं थोड़ा सा दिखाने वाला कि मेरे पास जो लेवल है वो लेवल में ऐसा कुछ दिखाने वाला हूँ, तो मैं ऐसे करके दिखाऊंगा तो मेरे पास लुक एंड फील और बेटर भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हो, रेंडर में गए, आप यहाँ पे वी पोर्ट पे करना है, ठीक है, वी पोर्ट, ठीक है, क्लिप बोर्ड, यहाँ पे F9, ये देखो F10, ठीक है, और सब F11, ये सब कुछ देखना है यहाँ पे। वी पोर्ट आपका रेंडर आपको दिखेगा, देखो ये रेंडर आपका दिख गया, ठीक है। रेंडर जा कहाँ रहा है ये भी देखना है आपको यहाँ पे। ऑल इमेजेस, ठीक है, और कहाँ गए हम लोग यहाँ पे, ऑल वीडियोस जो भी हैं, बस जो डेटा है वो आपको यहाँ पे देखिएगा कि कोई आपको क्या और कैसे करना है, ठीक है। बाकी चीज़ आपको इस यहाँ पे मिलेगा, और आप चाहो तो इसे अलग से भी सेव करना चाहो कर लो, इतने से हमारा काम हो जाता है। इसके बाद अगर आपको लगता है आपको यहाँ पे इसको भेजना है आर स्टेशन पे, तो आर स्टेशन पे भी यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दे देता है कि सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। इसका भी मैंने डेटा बना के डाल रखा है, एक बार देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या काम करना है। मेन चीज़ क्या है कि आपको एक बेसिक प्रेजेंटेशन कैसे डील करना है। बेसिक प्रेजेंटेशन डील करने के लिए आपको यहाँ पे चीज़ें बहुत सी हैं, ठीक है। इसके अंदर भी मैं चीज़ें बताऊँ तो देखें यहाँ पे इमेज में, यहाँ पे अगर मैं देखूँ सिंपल सा पार्ट, अगर मैं यहाँ पे गया, ठीक है, मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट पे आ गया, यहाँ पे इसके अंदर बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, देखा कैसे देखना है अपने नीड के अकॉर्डिंग। आपको एक बार प्ले करना है, जब तक आप प्ले करोगे नहीं तब तक वो चीज़ें देख रहे हैं, ब्राइटनेस मैंने यहाँ पे कम कर दिया, अभी ये देखिए पीछे वाला पार्ट मुझे ऑफ कर दिया, तभी मुझे पता नहीं चल रहा, ये देखा पे। आप चाहो तो ऐसे भी सेफ प्रेस करके देखना है, तो आपके यहाँ पे वही इन्वायरमेंट है, लेकिन वो इन्वायरमेंट अभी देख नहीं रहा मुझे,